हाय व्यूअर्स, वेलकम टू डेजीज किचन। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं घर का शुद्ध और देसी घी। ये 15 दिन मैं स्टोर करके रखी थी मलाई को, तो 15 दिन का मलाई है। अब एक बड़े बर्तन में सारे मलाई को आप डाल दीजिएगा और अपना एक साफ़ हाथों से इसे फेंटने शुरू कर दीजिएगा। तब तक इसे फेंटिएगा जब तक उस मलाई से पानी छोड़ ना दे। वो जब पानी छोड़ेंगे, वो पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पानी वेस्ट नहीं जाएगा। तो आपको तब तक फेंटना है जब तक इस मलाई से आपका पानी छोड़ ना दे। देखिए, फेंटते फेंटते एक मक्खन का जैसा वो फॉर्म हो जाता है। इफ आप अच्छा से नहीं फेंटिएगा तो आपका घी में ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज निकलेगा, तो इसे अच्छा से फेंटना आपको पड़ेगा। तो देखिए, मैं फेंट फेंट के इसके बाद एक पानी मतलब मक्खन से छोड़ दिए, ये बटर का फॉर्म में हो जाता है। और ये पानी का भी मैं बताऊंगी आपको क्या यूज़ में आएगा। तो जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो आपका फेंटा हुआ मक्खन को इस कढ़ाई में आप डाल दीजिएगा। घर का घी बनाने का फ़ायदा इसलिए है कि आप बाज़ार से जो दूध लाते हैं उसी दूध में आपका दूध भी निकल जाता और प्लस मक्खन भी निकल जाता। तो घर का बनाए हुए मक्खन में घी में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। बाज़ार का घी उसमें बहुत ही चीज़ मिलावटें होते हैं, लेकिन ये घर का पूरा प्योर घी है। तो देखिए, इस तरह से आपको चलाना होगा कि कढ़ाई में साई साई से ना चिपके या कढ़ाई के नीचे ना चिपके, इस तरह से आपको चलाना पड़ेगा। देखिए, इसमें उबाल आ रहा है, आने के बाद धीरे धीरे वो घी छोड़ रहा है। तो इस तरह से आपका घर में शुद्ध और देसी घी बन के तैयार है। आप इसे पराठा या चावल या दाल में आप डाल के खा सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय। जब आप मलाई फेंटते समय वो पानी निकले थे, उस पानी का आप छेना बना लीजिएगा, उबाल के उसको फाड़ लीजिएगा, तो उसमें से भी पनीर निकल जाएगा, तो आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।